नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया में अक्सर कई तरह के घटनाएं घटित होते रहती हैं, जिसमें से हमें कई बातों के बारे में पता ही नहीं चलता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं, असल में वो सारी चीजें ही सच हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में ऐसी कई चीजें भी मौजूद हैं जो कि दिखाई दिए बिना बहुत कुछ कह जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर एलियंस, नासाज WUFO रिपोर्ट और UFO के बारे में कई तरह के बातों के बारे में सुना होगा। लोग इन्हें देखने व इनके बारे में जानने का दावा भी करते हैं, परंतु आज तक एलियंस, नासाज WUFO रिपोर्ट और UFO के बारे में सिर्फ चर्चे ही सुने हुए हैं। इसके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए अक्सर ये कई बार विवादों से भरा हुआ विषय बन जाता है। दोस्तों, एलियंस के अस्तित्व और उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले UFO के बारे में उत्सुकता शोधकर्ताओं से लेकर आम जनता तक होती है, परंतु विडंबना की बात ये है कि इसके बारे में कुछ देर तक ही चर्चा हो पाते हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों न एक बार इन्हीं विषयों के ऊपर बात कर ली जाए, ताकि आप लोगों को भी इन सभी चीजों के बारे में गहन जानकारी मिल सके। हालिया रिपोर्ट में एक बात ये सामने आया है कि नासा के कुछ आले वैज्ञानिकों ने एलियंस, नासाज WUFO रिपोर्ट और अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना UAP के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नासा के एक्सपर्ट्स की माने तो उन्हें UAP कहे जाने वाले घटनाओं के बारे में अभी तक कुछ सटीक रूप से पता नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इन अनजान चीजों के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इन चीजों के बारे में कितना पता है। वैसे एक बात ये भी है कि नासा के हेड ने ये साझा किया है कि UAP का रिश्ता किसी भी प्रकार से एलियंस के साथ लिंक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एलियंस और UAP एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग विषय हैं और इसके बारे में आज भी काफी शोध होना बाकी है। दोस्तों, एक जरूरी बात ये है कि नासा के काम करने का ढंग बहुत ही जटिल है और शोधकर्ताओं को सही तरीके से डेटा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इन चीजों के बारे में सही तरीके से कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये बात भी सामने आया है कि UFO की देखे जाने वाली घटनाएं काफी ज्यादा आकस्मिक और अंदाजे से परे होते हैं, इसलिए इनके बारे में किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक शोध कर पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए आसान नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एलियंस और UFO की घटनाएं हमारे सोच से परे हैं। क्या कहते हैं नासा के एक्सपर्ट्स? आज तक जितने भी UAP, नासाज WUFO रिपोर्ट की घटनाएं सामने आई हैं, उन सभी घटनाओं में डेटा काफी ज्यादा लिमिटेड होकर आया है, जिसकी वजह से इनको विश्लेषण करना हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। UAP आज तक पृथ्वी के हरेक इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इसे सुलझाना हर एक वैज्ञानिक चाहता है, परंतु ये चीज अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज सुलझाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कोई भी अनजान चीज का आसमान में यूं मंडराना बिल्कुल भी अनदेखा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उस चीज में हमें क्षति पहुंचाने की कितनी ताकत है। बहरहाल, नासा के कुछ शोधकर्ता इसी विषय के ऊपर आज और भी ज्यादा गहन रिसर्च कर रहे हैं। वैसे इस विषय में कलेक्ट किए गए डेटा को नासा के शोधकर्ता AI के माध्यम से एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर मित्रों ऐसा होता है तो हमारे पास इस तरह के डेटा को एनालाइज करने का मौका काफी अच्छा होगा। वैसे एक बात ये भी है कि UAP के लिए कलेक्ट किए गए डेटा में कई तरह के रहस्यमय फोटो और सबूत मौजूद हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ तो जरूर ही हमें रोचक चीज मिलने वाली है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि डेटा के अंदर एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें एक गोलाकार गेंद जैसी यान हवा में उड़ रहा है। UFO, नासाज WUFO रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी बात ये है कि इन चीजों की प्रोपल्शन तकनीक के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि ये चीज कैसे उड़ते हैं, इनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें ट्रैक करने के लिए हमारे पास कम जानकारी होने के कारण ये अक्सर अनजान ही बनकर रह जाते हैं, इसलिए इन्हें अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। आने वाले समय में अगर और बेहतर तरीके से UFO से जुड़ी हुई डेटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा
तो हमें इस तरह के चीजों के बारे में काफी कुछ रोचक जानकारी मिलने लगेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप कभी इन जैसे अनजान चीजों के पीछे छुपी रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। अगर कुछ हद तक इस तरह के चीजों के ऊपर से पर्दा उठने लगेगा, तब यकीन मानिए धीरे धीरे ब्रह्मांड के छुपे हुए राज भी खुलने वाले हैं। दोस्तों, बुनियादी बातों से ही अक्सर काफी जटिल चीजों के बारे में पता चलता है और शायद ये ही वजह है कि हमें UFO जैसी अनजान चीजों के बारे में पता लगाना होगा। एक रोचक बात ये भी है कि UFO से जुड़ी घटनाएं अक्सर अमेरिकी सरकार से जुड़ी आले अफसर और आर्मी ऑफिसर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये एक ध्यान देने वाली बात बन जाती है। एलियंस, नासा WUFO रिपोर्ट और UFO को देखने की बात कई सारे अमेरिकी पायलट्स मीडिया में कह चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ न कुछ रहस्यमय बात तो है। इसी साल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक आले ऑफिसर ने ये दावा किया था कि अमेरिकी सरकार एलियंस और UPA के सबूतों को अपने पास छुपा कर रख रही है। इसके अलावा परग्रही इंटेलिजेंस के बारे में भी अमेरिकी सरकार काफी कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। हालांकि इन सारे दावों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इनको साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। बहरहाल ये बात भी सच है कि हम जिस चीज को कम आंक रहे होते हैं या नजरअंदाज कर रहे होते हैं, अक्सर वही चीज हमारे लिए बाद में एक बड़े सबक सीखने का कारण बनता है। इसलिए एलियंस और UFO से जुड़ी चीजों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कब क्या हो जाए और हमें एलियंस वाकई में देखने को मिल जाए। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों को इस तरह के चीजों के बारे में एक अलग ही दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिसमें हम इन्हें खुले दिमाग से सोचने समझने की काबिलियत हो। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।